हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कहते हैं, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हों, फिट हों और फाइन हों और तंदुरुस्त रहें। तो आज का ब्लॉग मैं शाम के 7 बजे से बना रही हूँ और आज दिन है संडे और हमने शाम की जो चाय होती है वो पी है। तो वो पीने के बाद मैं दोबारा फिर किचन में आई हूँ। किचन में आने के बाद मेरे जो मसालेदानी के मसाले ख़त्म हो चुके थे तो वो मसाले में मसालदानी में डाल रही हूँ और अभी मैंने मसालदानी में से जितने भी मसाले थे वो सब डालने के बाद मुझे धोने हैं अपने बर्तन, क्योंकि मैंने जो चाय पानी के बर्तन है वो अभी वॉश नहीं किए। मैंने सोचा पहले मसालदानी मसाले डाल लिए जाए फिर उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी मैं जो चाय पानी है, क्योंकि मेरे जो हाथों में मैं चाहे कितनी भी चम्मच से मिर्ची निकाल के डालूँ फिर भी मेरे हाथ में जलन बचती है। तो मैंने सोचा पहले मैं मसालदानी मसाले वगैरह खाली कर लूँगी फिर उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। तो बस यही काम चल रहा है मेरा। तो आज मुझे बनाना है रात में डिनर में सिंपल सा चिकन, तो उसके लिए भी मैं मसाले इन डब्बों में से ही निकाल के रखूँगी। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई में जो मक्खन है वो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल बनाया था मक्खन निकाल के रखा था और उसे मैंने बनाया नहीं क्योंकि अनन्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं उसी के पीछे लगी हुई थी। मैंने सोचा मॉर्निंग में बनाऊंगी तो मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा अभी टाइम है। सब्जी बनाने से पहले मैं मक्खन बना जो मक्खन निकाल के मैंने रखा है उसका घी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो बस यही कर रही हूँ, मैं सारा मक्खन कढ़ाई में डाली हूँ और ये बहुत टाइट हो गया। मुझे पहले फ्रीज से निकालने का याद नहीं रहा, मैं तुरंत हैंड टू हैंड फ्रीज से निकालने के बाद उसे कढ़ाई में खाली कर लिया और बहुत ही टाइट हो चुका है। पहले मैंने इसे चम्मच से निकाला नहीं था तो अब मैं इसे चढ़ा दिया है मैंने इसे गैस पे। तो बस यही काम चल रहा है, यही प्रोसेस चल रहा है। और मैं गाय का ये जो मक्खन है ये गाय के दूध का है, क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ, अनन्या पीती है इसलिए मैं अनन्या को गाय का दूध देती हूँ। तो बस ये गाय की ही मलाई का ही घी बनेगा इसका। तो बस यही चल रहा है और मैं हमेशा जो घी है वो घर ही में बनाती हूँ। मैं बाहर का घी बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मैं 1.5 kg दूध लेती हूँ, तो इसी में से जो मेरी मलाई है जितनी भी दूध यूज़ करने के बाद जो मलाई जितनी भी बचती है निकाल लेती हूँ मैं स्टोर करके। तो जो मैं 15 दिन में या महीने में जब भी जितनी मलाई बचती है मैं ज़्यादा दिन तक की मलाई नहीं रखती, बस घी में घी बना लेती हूँ उसका घर में ही। तो बस यही चल रहा है मेरा काम और घर में घर बनाया कि थोड़ा अपने आप को भी सेटिस्फाई होता है क्योंकि बाहर की घी में ज़्यादा मिलावट होती है, तो मैं घर के घी में ही बिलीव करती हूँ। और मैं तो ज़्यादा घी वगैरह का यूज़ करती हूँ और ये हमारे लिए सफिशेंट होता है क्योंकि अनन्या के लिए पराठे बनाने होते हैं और इनके लिए कभी कभी घी, जो मेरे हस्बैंड है वो कभी कभी घी लगी हुई रोटी खाते हैं, ऑलमोस्ट बस इसी के लिए मुझे चाहिए होता है घी। और कभी थोड़ा हलवा वगैरह बन जाए तो उसके लिए, और पूजा वगैरह के लिए तो मैं अलग से ही घी का यूज़ करती हूँ या तेल का यूज़ करती हूँ। तो बस ये बनाने से हमारा घी बन के तैयार हो चुका है और कितना अच्छा पीला पीला बना है, ये गाय का घी अलग से ही पीला पीला बनता है। तो बस हमारा गैस बंद कर दूंगी हमने, तो मैंने घी अलग रख दिया है और अब मैंने चढ़ा दी कढ़ाई क्योंकि अब मैं काफ़ी रात दूसरी कढ़ाई में सब्जी भी चौंकूंगी। तो मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर मैंने थोड़े खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 काले मिर्च डाल दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे चिकन बनाना है, शायद बताया है, अगर नहीं बताया तो मैं फिर बता देती हूँ मुझे चिकन बनाना है। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ कैमरा थोड़ा सेट कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे खड़े मसाले रोस्ट हो चुके हैं, भून चुके हैं, यानी कि जितना ब्राउन होना था वो हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अपना जो मैंने प्याज है उसका भी मैंने पेस्ट बनाया है, मैंने उसे चॉप नहीं किया है। मैं कभी चॉप भी कर लेती हूँ प्याज को, कभी पेस्ट बना के भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस प्याज के पेस्ट को 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम में ब्राउन मतलब भूनूंगी, स्लो फ्लेम में जलाना नहीं है मुझे, स्लो फ्लेम में इसे पकाना है, वही करूँगी और साथ ही साथ चलाती भी रहूँगी। और मेरी मसाला डालते समय प्याज का पेस्ट डालते समय गैस के ऊपर 1-2 सीटियाँ अगर मैं उन्हें भी साफ कर दूँ तो ये देखिए चला भी हूँ,
हमारा प्याज भून चुका है जितना मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इन्हें भी मुझे 3 से 4 मिनट तक पकाना है स्लो फ्लेम में। यहाँ पर हमारा स्लो फ्लेम में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी भून रहा है, और जैसे ये देख रहे हैं आप, इन्हें इसे भी मैं 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम में पका रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है उन्होंने मसाले में भी तेल छोड़ दिया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मसाले में आता तो उसमें तेल छोड़ दिया है, तो बस इसे पका रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटर, मैंने 3 टमाटर लिए थे और उसका छोटे छोटे टमाटर लिए थे उसका प्यूरी बना दिया था, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया। उसको ऐड करने के बाद इसे भी मैं 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम में पकाऊंगी, और चलाने के बाद ठीक से चलाने के बाद इसे मैं ढक के पकाऊंगी ताकि जो ये सारे मसाले हैं ये भी अपना जो मसालों में से तेल छोड़ दें। टमाटर, जिंजर गार्लिक और जो ऑनियन का मैंने सबका पेस्ट बनाया था, ये सारे मसाले मिलकर तेल छोड़ दें मसालों में से। तो बस यही है, ढक के मैंने ढक दिया है और अब मैं इसमें खोल के देखती हूँ तो सब तेल छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी, मिर्च और नमक और धनिया पाउडर, ये मैंने चिकन में अपने अनुसार से डाले हैं, जितना मुझे चाहिए जितना हम लोग खाते हैं तो वो ये मैंने अपने अनुसार यानी कि अपने अकॉर्डिंग डाले हैं। तो इन्हें डालने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, जिन मैं इसे ढक के पक रही दूंगी 5 मिनट में, तो बस 5 मिनट पक रहा है। और ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने ढक के उठा के देखा है तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा फ्लेवर आया है, हमारे सारे मसालों में जो है तेल छोड़ दिया है, इतना अच्छा लग रहा है मसाला, देखिए इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा ये देख के बता सकते हैं आप। तो देखिए मसाला कितना अच्छा बना है हमारा, मेरे अनुसार वो अच्छा बना है, आपको पता नहीं मेरी रेसिपी कैसी लगी बट मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। जब मुझे ये ज़्यादा तीखा भी नहीं है, ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक है ऑलमोस्ट। तो अब मैं यहाँ पर चिकन ऐड कर रही हूँ, चिकन ऐड करने के बाद पूरा चिकन जितना भी है ये 1 kg चिकन है इसे ऐड कर लूँगी। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे चलाऊँगी अच्छे से, और चलाने के बाद इसे मैं स्लो फ्लेम में पकने दूँगी 5 मिनट में। 5 मिनट बाद फिर मैं इसे चलाऊँगी और मैं इसमें पानी कोई ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन को पानी जो होता है वो छोड़ता है, तो इसमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही इसे स्लो फ्लेम में रख के मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी, फिर 5 मिनट बाद मैं दोबारा इसे चलाऊंगी। और मैं अब इसे ढक देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर चिकन ने ढक के रख दिया है, स्लो फ्लेम में पक रहा है, और मैं यहाँ पर धनिया मैंने धूप में रख दिया था, तो मैं यहाँ पर धनिए को काट रही हूँ क्योंकि धनिए को काटने के बाद जो मेरी चाय पानी की बर्तन है मैंने छोड़ दिए थे, वो मैंने सोचा तब बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तब धोगी, तो मैं धनिया काटने के बाद उन्हें वॉश कर ली। तो अब मैं यहाँ बर्तन वॉश कर रही हूँ जितने भी मेरे हैं, तो जल्दी जल्दी बस मुझे बर्तन वॉश करने हैं, और मेरे बर्तन बहुत होते हैं, मैं बर्तन धोने में परेशान हो जाती हूँ। मुझे कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 5 से 6 बार बर्तन धोने पड़ते हैं, एक भी बर्तन जाए तो भी मैं जरूर के रखते कभी कट हो जाते हैं, बहुत दिक्कत बहुत परेशानी होती है। और करना हमको ये चाहे एक बार में कर लो चाहे बार बार में कर लो, तो मेरी ये बहुत गंदी आदत बोल लीजिए या अच्छी आदत बोल लीजिए, क्योंकि एक बर्तन भी होता है तो मैं उसे तुरंत ही धो के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी कुएँ इकट्ठे कर लिए थे, मैंने सोचा अभी क्या मैं धनिया वगैरह काटूँगी, मसाले वगैरह के जो बर्तन है जिसमें मैंने पेस्ट बना के रखा था लहसुन प्याज वगैरह का, तो वो बार बार सारे बर्तन फिर हो जाएंगे, तो इकट्ठा ही होना छोड़ने के बाद बर्तन हो जाए, क्योंकि बस ये बर्तन ही है। बर्तन धोने के बाद और बस यहाँ पर बर्तन की जगह को साफ किया जा रहा है, पूरी सेल्फ को साफ कर रही हूँ मैं ताकि जो सेल्फ है वो सूख जाए। तो हमारे यहाँ पर 5 मिनट कम्प्लीट हो गए, उसमें भी मैंने पकने दिया था, तो 5 मिनट बाद मैं चिकन को खोल के देखती हूँ, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो देखिए चिकन में कितना पानी छोड़ दिया बिना पानी डाले, क्योंकि चिकन में इतना सॉफ्ट होता है, इतना मॉइस्चर होता है, तो वो खुद ही पानी छोड़ देता है, तो वो मैंने यहाँ पानी नहीं ऐड किया था, मैं इसको चला के फिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट तक, और पकने
वो सब्जी देखने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे करने हैं बहुत सारे कपड़े धोने, तो मैं यहाँ पर थोड़ा समाचार लगा रखा है उसे भी देख रही हूँ, साथ ही साथ देख तो क्या रही हूँ कानों से सुन रही हूँ और साथ ही साथ कपड़े भी खोल रही हूँ, अन्य कपड़ों पर चल रही है, मैं गई वहाँ चुकी हूँ पर वो सुनती नहीं है और उसकी तबियत भी डाउन है, तो इस वजह से कोई बात नहीं है इसमें छोड़ दे रही हूँ। यहाँ पर मुझे कपड़े फोल्ड करने बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने मिलेगी और अनन्या मान की बहन की बात वो जंप कर रही है कपड़ों के ऊपर, बस उसी तरह ये करते हुए छोड़ रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने जो चिकन ऑल में जो चढ़ाया था वो नीचे फेंक दी हूँ, तो जो हमारा चिकन है वो पूरा तैयार हो चुका है और उसमें सफिशियंट ग्रेवी डिटर्जेंट और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच चिकन मसाला और 1.5 चम्मच मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर गरम मसाला, और ये सब मसाले डालने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी, क्योंकि मैंने शुरू में गरम मसाला और चिकन मसाला नहीं डाला और इन्हें मैं 2 उदार चिकन मसाला और गरम मसाला डालने के बाद मैं इन्हें मिला गई और फिर यहीं पर ऐड मैं करूँगी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी सूखी जो कस्तूरी मेथी है उसे डालने से चिकन में अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो यहाँ पर मैं हाथ से क्रश कर रही हूँ और उसे डाल दूँगी, तो अब मैं इन तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं यहाँ पर, तो अब मैं इसे यहाँ पर 3 से 4 मिनट और पकाऊँगी, फिर हमारा चिकन जम के तैयार है और मैं अब इसे ढक दूँगी। और ये देखिए मैंने खोल के देखा है यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं और खोल के देखा तो देखिए हमारा चिकन किस तरीके से लग रहा है, देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है और खाने में भी लगेगा, क्योंकि जो देखने में अच्छा लगता है, देखने में चीज़ अच्छी लगती है तो खाने में भी आप अच्छी लगती है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी धनिया जो मैंने काटा था, धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसे चलाऊँगी और इसको ढक के रख दूँगी, तो बस अब मेरा जितना चिकन बन चुका है अब मैं यहाँ पर चपाती की तैयारी कर रही हूँ और मुझे चपाती ज़्यादा दिखानी है फिर रोटी मुझे ज़्यादा दिखानी है, और बगल में मैंने 2 बॉइल करने जाया था वो हो चुका है, मैंने उसकी गैस बंद कर दी, तो बस मुझे चपाती ज़्यादा नहीं बनानी है यानी रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है, 3 से 4 बनानी है और राइस भी बनाना है थोड़ा राइस और 1 से 2 चपाती, मैं 1 चपाती लूँगी वो 2 लेंगे और 1 अलग के लिए बनाई है मैंने, बस यही है और थोड़ा राइस खिलाऊँगी इसको, बस यही चल रहा है। इसको बनाने के बाद मुझे खाना लगाना है और बहुत गर्मी हुई है किचन में तो काम करना आजकल बहुत, तो अब मैं यहाँ पर खाना लगा रही हूँ, यहाँ पर गर्मा गर्म राइस कुकर जस्ट खुला है तो मैं गर्मा गर्म 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 खाना खिलाऊंगी ठीक रहता है, तो यहाँ मैं राइस लगा रही हूँ और थोड़ा सा आधा कटोरी डाल के चिकन की ग्रेवी बनाई है, क्योंकि राइस में थोड़ी ग्रेवी की जरूरत होती है, तो बस मैंने थोड़ी ग्रेवी बनाई है आधी कटोरी पानी डाल के, बस यही है और यहाँ पर सब्जी भी लगा दी यहाँ से मैंने कटोरी में और सैलेड मैंने काट दिया था और बस थाली तैयार कर रही हूँ ताकि देखने आऊँ। लगा दिया है आप लोग भी खाना खा लीजिए डिनर कर लीजिए, तो गाइस जैसा मेरा छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।